हे गाइस, तो आप लोगों को पता है कि वेबिक बेन के पावरफुल एलियन में से एक है और ये हमें सबसे पहले क्लासिक की सीरीज में देखने को मिला था, जहाँ पे इसने अपना एक छोटा सा अपीयरेंस दिया था जिसमें इसने विलगैक्स को बहुत ही बुरी तरह से डिफीट किया था। तो आज की जो वीडियो है वो बेसिकली वेबिक पर ही बेस होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों बेंटन अल्टीमेट एलियन में वेबिक की जो कॉस्मिक रे थी उसका कलर पेल ब्लू था और क्यों जो बेंटन ओमनिवर्स थी उसमें वेबिक की कॉस्मिक रेज का कलर चेंज कर दिया गया। आपको भी जानना है कि ऐसा क्यों, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही ऑसम वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वेविक बेंटन के पावरफुल एलियन में से एक है और सबसे ज्यादा टॉलेस्ट एलियन में से एक भी है। वेविक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसकी जो स्पीशीज है उसको टोकुस्टार कहा जाता है और उनका जो प्लेनेट है उसका नाम है कॉस्मिक स्टॉर्म। वेविक का हमें पहला अपीयरेंस बेंटन की क्लासिक सीरीज की एक मूवी बेंटन एंड द सीक्रेट ऑफ द ओमनीट्रिक्स में देखने को मिला था, जहाँ पर एजमत ने वेविक को ओमनीट्रिक्स में अनलॉक कर दिया था, जिसके बाद जो बेंटनसन है वो वेविक में फर्स्ट टाइम ट्रांसफॉर्म हुआ था और ट्रांसफॉर्म होते ही उसने विलगैक्स को डार्क स्पेस में या फिर कहले की हाइपर स्पेस में फेंक दिया था। तो अपने पॉइंट पर आते हुए आपको बताता हूँ कि जब बेंटन एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन आया तो उसमें हमने देखा कि जो वेविक है उसकी कॉस्मिक रेज का कलर पेल ब्लू है, लेकिन जब बेंटन ओमनिवर्स आया तो उसमें हमने देखा कि बेंटनिसन के वेविक के जो कॉस्मिक रेज है उनका कलर ग्रीन है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो बेंटन ओमनिवर्स में हमने देखा कि जो वेविक है उसकी कॉस्मिक रेज का कलर ग्रीन हो गया था पेल ब्लू से, तो ऐसा क्यों किया गया? तो जो बेंटन ओमनिवर्स था उसमें हमने देखा कि बहुत सारे डायमेंशन और मल्टीवर्स को बहुत ही ज्यादा इंक्लूड किया गया था, जिसकी वजह से हर एक चीज को सिग्निफाई बनाने के लिए उन्होंने कलर चेंजेस किए। जैसे कि बेन 23 के डायमेंशन का कलर हल्का सा ब्लू रखा, बेन मैट बेन के डायमेंशन का कलर ऑरेंज रखा, वैसे ही प्राइम बेन का जो प्राइम कलर है वो है ग्रीन। उसी तरह बेन 23 के वेविक के कॉस्मिक रेस का कलर ब्लू है और मैट बेन के वेविक के कॉस्मिक रेस का कलर ऑरेंज है, और ये चीज इस बात को भी सिग्निफाई करती है कि जो वेविक की स्पीशीज है यानी कि टोकू स्टार, उसमें हर एक टोकू स्टार की जो कॉस्मिक रेस है उनका कलर भी अलग अलग होता होगा। तो यही वो दो रीजन थे जिनकी वजह से बेंटन के वेविक के कॉस्मिक रेस का कलर चेंज किया गया। तो कौन सी कॉस्मिक रेज का कलर अच्छा लगता है, पेल ब्लू या फिर ग्रीन? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो इसी के साथ आज की वीडियो मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, मजा आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।